जिसका उद्घाटन अभी कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी शामिल थे। उस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में हमने वीडियो एनालिटिक्स और डेटा एनालिटिक्स का प्रयोग, ये पहली बार कुंभ मेले में हो रहा है कि हम क्राउड मैनेजमेंट को किस प्रकार एसेस कर सकते हैं। पहली बार हम लोग जितने भी केस डायरीज हम लोग विवेचकों लिख रहे हैं उसको हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं। अभी प्रत्येक जनपद में हमारा केस डायरी का लिखना ऑनलाइन होता जा रहा है और को इंटरनेशनल बनाया है। पिछले वर्ष हमने सोशल मीडिया में एनआरआई हैंडल बनाया है जिसमें उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग गल्फ कंट्रीज में, कनाडा में, अमेरिका में, यूके में रह रहे हों उनको हमने कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है और उनकी छोटी छोटी समस्याएं जो उनके देश की हैं, जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों की है, वो हमें लिंक करके और हमसे सहायता ले सकते हैं। मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए और उस पर आप मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। इस तरह हमने 28 ऐसी सेवाएं हैं जिसको हमने यूपी कॉप मोबाइल के अंतर्गत किया है और उसमें लगभग 50,000 से अधिक लोगों ने अभी तक, मुश्किल से 15 दिन इसको हुआ है, हमने पहले ट्रायल में रखा था, अभी तक 50,000 से अधिक लोगों ने उस मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया है और उस 42,000 पुलिस का रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं। उसके बाद हम 51,000 के लगभग ऑल रिक्रूटमेंट करेंगे। इस वर्ष के अंत तक हमारी उपलब्धि होगी कि हम लगभग 1,00,000 से ज्यादा नौजवानों को पुलिस में भर्ती करके उन्हें सेवाएं दें और उन लोगों को प्रशिक्षित करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए हम ट्रेनिंग की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। अभी हमारी ट्रेनिंग कैपेसिटी 6,000 की है, आने वाले समय में हम उसको डबल करने जा रहे हैं और अभी हम कुछ दिनों के बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी से 2 नए प्रशिक्षण केंद्र, एक जालौन में और एक दूसरा सुल्तानपुर में, उसका उद्घाटन कराएंगे। वो हमारा बन रहा है।